आखिरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई की गिरफ्त में जाना ही पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ना तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और ना ही सीबीआई की विशेष अदालत से। अच्छा यह होता कि दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद वह खुद को सीबीआई के हवाले कर देते, लेकिन उन्होंने उसे चकमा देकर छिपना जरूरी समझा। 24 घंटे से अधिक समय तक लापता रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस के मुख्यालय में उपस्थित होकर जिस तरह अपनी सफाई पेश की, उससे यही जाहिर हुआ कि वह केवल खुद को निर्दोष ही नहीं बताना चाहते थे, बल्कि यह भी प्रकट करना चाहते थे कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। पार्टी दफ्तर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह भी साफ हुआ कि खुद कांग्रेस यह संदेश देना चाह रही थी कि वह घपले घोटाले के गंभीर आरोपों से घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ है। समस्या केवल यह नहीं कि कांग्रेस के छोटे बड़े नेता चिदंबरम का बचाव कर रहे हैं, बल्कि यह है कि वे उन्हें क्लीन चिट भी दे रहे हैं। आखिर जो काम अदालत का है वह कांग्रेसी नेता क्यों कर रहे हैं? आखिर उनके मामले में अदालत के फैसले मान्य होंगे या फिर कांग्रेसी नेताओं के वक्तव्य? एक सवाल यह भी है कि सीबीआई से लुका छिपी का खेल खेलकर चिदंबरम को क्या हासिल हुआ? आखिर उन्होंने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने घर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेना जरूरी क्यों समझा? क्या यह अच्छी बात है कि देश के पूर्व गृह मंत्री, राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वकील को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई अफसरों को उनके घर की दीवार फांदनी पड़ी? चूँकि सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय को भी चिदंबरम से पूछताछ करनी है, इसलिए उन्हें लंबे समय तक जांच एजेंसियों से दो चार होना पड़ सकता है। पता नहीं आईएनएक्स मीडिया घोटाले में चिदंबरम की क्या और कैसी भूमिका है, लेकिन यह उनके अपने हित में है कि इस मामले का निस्तारण जल्द हो। यह तभी होगा जब वह जांच में सहयोग करेंगे। मामले का जल्द निस्तारण जांच एजेंसियों के साथ ही अदालतों को भी सुनिश्चित करना चाहिए। यह इसलिए ज़रूरी है कि आमतौर पर नेताओं के मामलों में जांच के साथ ही अदालती कार्यवाही भी लंबी खींचती है। निसंदेह ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि घपले घोटाले से घिरे नेता बड़ी आसानी से अदालत अदालत खेलते रहते हैं। क्या यह सहज सामान्य है कि चिदंबरम को बार बार अग्रिम जमानत मिलती रहे? क्या ऐसी ही सुविधा आम लोगों को भी मिलती है? बेहतर हो कोई यह सुनिश्चित करे कि रसूख वालों के मामलों का निस्तारण एक तय समय में हो।
वंचित वर्ग की बड़ी आबादी को देखते हुए केंद्र के बाद राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अंगीकृत कर गरीब परिवारों को भोजन की गारंटी प्रदान की थी। इसके तहत निर्धन वर्ग के परिवारों के लिए गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये की दर से दिया जा रहा है। गरीब भूखे पेट ना सोएं, इसलिए परिवार में प्रत्येक सदस्य के नाम पर इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो खाद्यान्न आता है। वास्तव में यह योजना गरीब और साधन विहीन परिवारों के लिए बड़ी मदद के तौर पर सामने आई है। अच्छा संकेत है कि केंद्र और राज्य में सरकारों की प्राथमिकता इस ओर दिखती है, लेकिन इस योजना को असल मायने में लागू करने के लिए सरकार के सामने खुद अपने तंत्र के भ्रष्टाचार से निपटने की चुनौती भी है। पिछले दिनों सामने आए बहराइच और आजमगढ़ सहित प्रदेश के 10 जिलों में राशन कार्डों की यूनिट काट कर ग्रामीणों से वसूली किए जाने के मामले ने दूर दराज इलाकों में उपभोक्ताओं तक समय से पूरा राशन पहुंचाने की चिंता को और बढ़ा दिया है। इन जिलों के जिन पूर्ति निरीक्षकों पर उपभोक्ताओं को समुचित वितरण कराने का दायित्व था, उन्हें निरीक्षकों ने राशन कार्डों पर यूनिटें काटकर उपभोक्ताओं को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। गनीमत है कि खाद्य एवं रसद विभाग ने इस गड़बड़ी को समय रहते पकड़ लिया, लेकिन 1 साल में दूसरी बार राशन कार्डों की ऑनलाइन व्यवस्था में सेंध लगाकर ही की गई इस तरह की गड़बड़ी बता रही है कि सरकारी राशन के घोटालेबाजों की पहुंच विभाग में संवेदनशील कंप्यूटरों तक भी हो गई है। हालांकि राज्य सरकार ने इस चुनौती से निपटने का भी तरीका तलाश कर लागू कर दिया है। नई व्यवस्था में अब प्रदेश में कहीं से भी राशन कार्डों की यूनिट काट कर दोबारा जोड़ी जाएगी तो इसकी खबर अधिकारियों को भी हो जाएगी। इस कदम से अब इस तरह की धांधली तो शायद रुक जाएगी, लेकिन उपभोक्ताओं तक सरकारी राशन पहुंचाने की राह में बैठे घोटालेबाजों को तलाशना अब भी शासन के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है।